अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ग्रानीज़ रसोई। आज मैं आपको खुबानी के मीठे की आसान सी रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह। मेरे व्यूवर्स मकसूद अली और राना अस्मा की फरमाइश थी खुबानी के मीठे की, तो चलिए इसके लिए मैं ली हूँ यहाँ पे आधा किलो खुबानी ली। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये खुबानी को रात में भिगो के सुबह में जो है इसको आप इसके बीज निकाल के फिर बनाते, लेकिन मैं ये चूँकि अब मैं अचानक से बना रही हूँ तो मैं इसको खुबानी को धो ली हूँ दो तीन पानी से, और मैं इसको जल्दी पकने के लिए कुकर यूज़ करूँगी। इसको मैं भिगा के एक दो ग्लास पानी डाली आधा आधा किलो खुबानी में, और मैं अब इसको कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे। चलिए ये 5-7 मिनट हो गए इसको चूल्हे पे रखे हुए, और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखी थी। अब मैं कुकर खोल दूंगी इसको। अब ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके मैं बीज निकालना बताऊंगी आपको। ये देखिए अच्छे से ठंडे हो गए हैं, और एक चीज़ आप गौर करिए, ये बिल्कुल गल गए। मैं हाथ अपने अच्छे से धो के आई हूँ, आप लोग भी अपने हाथ धो के आइए। अब ये हम इसको बीजों को इस तरह से अलग कर लेंगे। ऐसा एक कटोरे में मैं थोड़ा पानी ली हुई हूँ, ये एक एक बीज निकाल के इसमें डालते जाऊँगी। ये पूरे ऐसा बीजों को अलग कर देंगे हम इससे। बिल्कुल गल गए देखिए मस्के के वैसा। कुकर यूज़ करने से ये होता कि काम एक तो जल्दी हो जाता और आसानी से हो जाता। ये देखिए मैं पूरे बीज अलग कर दी इससे, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब ये हम ये बीजों को जो मैं पानी में डाली हुई हूँ इसको हम अच्छे से ऐसा इसको थोड़ा पानी में ऐसा करके इसका पानी भी हम इसमें डाल देंगे, ये खुबानी में डाल देंगे। और ये खुबानी को या तो आप ग्राइंडर में पीस लीजिए या आप हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको पीस लीजिए। ये देखिए मैं इसको ग्राइंडर में इस तरह से अच्छा सा पीस ली। अब इसको हम छानेंगे। ये मैं ऐसा बारीक छन्नी ले ली और ये इसमें डाल के मैं इसको छान लूंगी। इसमें जो बारीक बारीक तार वगैरह ऐसा आ जाते खुबानी के, वो मुंह में नहीं आने के लिए हम छान रहे हैं। अगर आप नहीं छानना चाह रहे हैं तो आप वैसा भी पका ले सकते हैं। ये देखिए ऐसा ये जो बगदा बगदा है ना वो इसमें छन्नी में रह जाता, मुंह में नहीं आता। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। ये बादाम जो इसमें से निकलते खुबानी में से, इसको मैं फोल्ड के ऐसा रख ली। अब ये पूरे बादामों को फोड़ के मैं पानी में भिगा दूंगी, उसके बाद इसका छिलका निकालूंगी। ये मैं चूल्हे पे चढ़ा दी। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये तकरीबन ये सालन के चमचे से एक 4 चमचे में शक्कर डालूंगी। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मीठा बनाना बहुत आसान है बिल्कुल, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ डलती नहीं सिवाय शक्कर के। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप खुबानी अगर आप कुकर में गला रहे हैं तो पहले कुकर को अच्छे से धो के उसमें थोड़ा पानी गर्म करके फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें सालन का की खुशबू नहीं आती इससे। अगर आप मीठा मीठा बनाना है ना, तो इसलिए उसमें सालन की खुशबू नहीं आती। इसको हम अच्छा सा पकाएंगे, गाढ़ा होने तक थोड़ा इसको पकाते रहेंगे। खुबानी के मीठे के ऊपर जो कस्टर्ड डलता ना, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इस पर मैं बिल्कुल 1.25 लीटर दूध ली हुई हूँ, उसको एक उबाल दे दी, और अब मैं थोड़ा सा गरम दूध लेके इसमें जो है मैं थोड़ा सा गरम दूध निकाल ली। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ये कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं ये दूध में मिलाऊंगी। ये कस्टर्ड में ऐसा दूध में चमचा हिलाते हिलाते कस्टर्ड डालूंगी, और इसमें तकरीबन ये चमचे से 1 चमचा सालन के चमचे से, और ये 1/2 चमचा आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालिए। बस इसको हम अच्छे से हिलाना है।
मैं फ्लेम बढ़ा दी, ये एक आध मिनट इसको पका लेंगे हम। इसके बाद ये हमारा कस्टर्ड तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए फिर थोड़ी देर हम फ्रिज में भी रखेंगे कस्टर्ड को। ये देखिए कस्टर्ड अच्छा गाढ़ा हो गया। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी, इसको ठंडा होने के लिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी। ये देखिए मीठा अच्छे से पक रहा है, ये थोड़ा और गाढ़ा होने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए ये मीठा बिल्कुल तैयार है, ये अच्छा गाढ़ा हो गया। अब मैं ये चूल्हा बंद कर दूंगी, फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए ये मीठा बन गया। अब मैं ये जो बादाम को छिलका निकाल के रखी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको ऐसे हल्के से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे कस्टर्ड के साथ। आप चाहे तो इसमें मलाई डाल सकते हैं या क्रीम डाल सकते हैं, आइसक्रीम, जो भी आप चाहे। लेकिन मुझे फरमाइश ये थी कि इसको जो है कस्टर्ड के साथ बताऊं, तो इसलिए मैं इस पे कस्टर्ड डाल रही हूँ। अब इसके कस्टर्ड के ऊपर हम ये बगैर छिलका निकाले हुए बादाम डालेंगे, दिखने में खूबसूरत दिखता। चलिए ये खुबानी का मीठा बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। और मैं ग्रैनीज रसोई फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग वहाँ भी मुझे सपोर्ट करिए। और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।